नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल में। तो गाइस, इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था पूरा प्रेजेंट टेंस, और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा पास्ट टेंस। पूरा का पूरा पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखने के लिए तैयार हो जाइए, और आपका टेंस सीखना इस वीडियो के बाद निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। तो सिंपल पास्ट टेंस, जो पहला पास्ट टेंस होता है उसी का ही सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। इसकी पहचान क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में या किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, था, थी, थे, ये आ जाए, अगर ये नहीं आता है तो आपका आ की मात्रा, ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा आ जाए तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, उसने पानी पिया था, उसने याद किया था, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो आपके सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। मेन चीज़ जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है डिड, डी आई डी, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी। या कि इसका मतलब ये है, ये फर्स्ट ग्रुप के साथ भी यूज़ होगी और ये आपका सेकंड ग्रुप के साथ भी यूज़ होगा। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, मेन वर्ब। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा मेन वर्ब का थोड़ा लोचा है। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। सेकंड फॉर्म यूज़ होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा सिंपल सेंटेंस में। इसमें आपका यहाँ पर आपका जो होती है हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और वर्ब वहाँ की के जो नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो गाइस, तो सीधे सटाक जल्दी से चलते हैं हम सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस में आने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रहेगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रट लीजिएगा बिल्कुल, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, बस इतना सा ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक फॉर्म हम एक सेंटेंस ले लेते हैं हिंदी का, कि उसने खाना खाया। कुछ लोग इतना भी बोलते हैं उसने खाना खाया या उसने खाना खाया था, तो लास्ट में आ गया था, थी, थे, बिल्कुल। तो उसने मतलब ही, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, खाना मीन्स ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो ही एट फूड, ही एट फूड, ही एट फूड। हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही होता है, बाकी और कहीं भी नहीं होता। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज पूरे टेंस में, पूरी इंग्लिश में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाएगी वो सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब सीधी सी बात समझ में आ गई बात। अब हम दो और भी सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी, तो मैंने मीन्स आई, चाय पीना मीन्स टेक यूज़ करेंगे यहाँ पे, टेक, तो यहाँ पे टुक होगा, आई टुक और टी, आई टुक टी। तो गाइस, इसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म याद है तो कोई समस्या नहीं होगी, आई टुक टी। उन्होंने खाना पकाया था, उन्होंने खाना पकाया था। अगर मैं किसी, जैसे हिंदी में उन्होंने मतलब हम किसी एक व्यक्ति को ही बोल रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहे, मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने खाना बनाया था, उनने खाना बनाया था, तो मैं यहाँ पे उन्होंने लिख रहा हूँ। तो अगर आप बहुत सारे की बात करें दे होगा, वैसे क्या हो जाएगा, उन्होंने मतलब वही उसने या अब देखो हम क्या होता है, बड़े जो व्यक्ति हमसे बड़े होते हैं हम उसको उसने नहीं बोले, हम उन्हें उन्होंने बनाया, तो उन्होंने उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ही खाना कुक, तो सेकेंड फॉर्म होता है कुक्ड, ही कुक्ड फूड, ही कुक्ड फूड। तो गाइस, सबसे बड़ी बात सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बस ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब हम सिंपल सेंटेंस हो गए, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया था तो क्या होगा, ही खाना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो ही डिड, देन नॉट, ही डिड नॉट खाना, खाना मीन्स ईट, तो ही डिड नॉट ईट, और यहाँ पर आएगा फूड। तो क्या हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसने खाना खा नहीं खाया था मीन्स ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। डिड नॉट को आप यहाँ पर बोल सकते हैं डिडंट, क्या बोल सकते हैं आप, डिडंट, डिडंट। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, मैंने कांच नहीं तोड़ा था, मैंने कांच नहीं तोड़ा था, तो मैंने, तो आई, आई डिडंट, तोड़ना मीन्स ब्रेक, तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता ब्रेक, ब्रेक बी आर के ब्रेक, आई डिडंट ब्रेक मिरर, कांच को क्या बोलेंगे मिरर, आई डिडंट ब्रेक मिरर, आई डिडंट ब्रेक मिरर। तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं गाइज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव भी समझते ही हो गाइज आप क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है जहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन। तो गाइज आपको क्वेश्चन तो करना है, लेकिन लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया फिर समझा रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है उसको सबसे पहले लाना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्वियस क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया या क्या उसने खाना खाया था, तो पहले क्या आएगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट डिड ही ईट फूड, डिड ही ईट फूड। सेकंड ले लेते हैं, क्या तुमने कांच तोड़ा था, क्या तुमने कांच तोड़ा था, तो क्या हो जाएगा क्या, तो मतलब डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट यू डिड यू, फिर देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ब्रेक, डिड यू ब्रेक मिरर, डिड यू ब्रेक मिरर, क्या आपने कांच तोड़ा, डिड यू ब्रेक मिरर। तो गाइज इसी के साथ आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फिनिश हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ रहा है तो भी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब गाइज अब हम आते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव पर। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर क्वेश्चन भी होता और नहीं भी होता, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट देन आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है। चलो हम सेंटेंस बनाते हैं, क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी, क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो क्या उसने, तो क्या हो जाएगा डिड, इसके बाद ही नॉट, डिड ही नॉट पढ़ाई करना, तो यहाँ पर स्टडी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिड ही नॉट स्टडी, या फिर डू स्टडी भी आता है, डू भी बोल सकते हैं, यहाँ पे को लोकेशन होता है तो यहाँ पर डू स्टडी भी बोल सकते हैं, वहाँ ओनली स्टडी बोल सकते हैं, तो डिड ही नॉट डू स्टडी बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ की आप स्टडी ओनला भी बोल सकते हैं। इसको आप चाहें तो इसको बोलेंगे डिडंट, डिडंट ही डू स्टडी, डिडंट ही डू स्टडी, डू मतलब यहाँ पे कोलोकेशन आता है, जैसे कहीं मेक, आपको मैं कोलोकेशन के आप वीडियो देखना है, इसमें मैं आपको और बना के बताऊंगा, और भी वीडियोस दूंगा जो कोलोकेशन के बारे में, जैसे मेक डू इस तरह की चीज़ों में कोलोकेशन आता है तो वो थोड़ा अच्छा लगता है और सही लगता है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैंने शर्ट खरीदी थी, क्या मैंने शर्ट नहीं खरीदी थी, क्या मैंने शर्ट नहीं खरीदी थी, तो क्या हो जाएगा,
डिडंट आई, खरीदना मिस हो जाएगा बाय, डिडंट आई बाय शर्ट, डिडंट आई बाय शर्ट, डिडंट आई बाय शर्ट। तो गाइज इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी फिनिश हो गया और इसी के साथ ही आपका सिंपल पास्ट टेंस भी फिनिश हो गया। तो गाइज इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड होती है, डिड को आप डिडंट भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल तस सा ध्यान रखना है और आपको बस फॉर्मूले को फॉलो करना है, सब कुछ आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसा कोई काम जो पास्ट में अधूरा रह गया हो, इनकम्प्लीट हो, वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे पहचान, इसकी सबसे पहले पहचान अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, क्या होती है, वॉज एंड वर। तो आपको बता दें कि वॉज का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ, वर का यूज़ करेंगे हम सेकंड ग्रुप के साथ। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, ही शी इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, और सेकंड में आई वी दे यू और बाकी के जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वॉज है, वॉज का यूज़ आप आई के साथ भी करते हो, किसके साथ करते हो आप, आई के साथ, आई के साथ भी आपको वॉज का ही यूज़ करना है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ भी आप चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आपको हमेशा यहाँ पर जो मेन वर्ब होती है वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना रहता है, आई एन जी लगाना रहता है। कुछ लोग इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बोलना है तो भी ठीक है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलना है तो वो भी ठीक ही है। चलिए अब हम आते हैं सेंटेंस पर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख लीजिए, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, वो गाना गा रहा था। रहा था आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे, वो गाना गा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, वो। तो ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आएगा आपका, वॉज, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है ही वॉज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो गाना सिंग, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या, गाना था, आ सॉन्ग, हमेशा ध्यान रखना आ जरूर लगाना है, He was singing a song. तुम सो रहे थे, तो तुम मतलब you, you के साथ क्या आएगा, were, you were sleeping. तो guys simple था simple sentence। अब हम आते हैं negative sentence पर। negative sentence में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, formula, तो क्या होगा formula आपका, subject plus helping verb के बाद क्या लगेगी आपका, Not प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉट लगाना है तो आप इसको वॉजेंट लिख सकते हैं, या फिर अगर वर्ब को लिखना है तो वरंट, वॉजेंट या वरंट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाएंगे तो वॉज नॉट या वर नॉट, लेकिन अगर उसको आप एब्रीवेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉजेंट या वरंट। तो हम अब सेंटेंस लेते हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम या आप या तू पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो सब्जेक्ट यू, तो यू के साथ क्या आएगा, वरंट या यू वर नॉट। पढ़ाई करना, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था डू स्टडी लिख सकते हैं या फिर ओनली स्टडिंग लिख सकते हैं, तो मैं डू लिखूंगा, यू वरंट, डू के साथ आई है जी, वरंट डूइंग स्टडी, यू वरंट डूइंग स्टडी। मैं केला नहीं खा रहा था, मैं केला नहीं खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज आता है तो आई वॉजंट, खाना मिस ईट हो जाएगा तो आई वॉजंट ईटिंग बनाना, I wasn't eating banana. मैं केला नहीं खा रहा था, I wasn't eating banana. हम
चाय नहीं बना रहे थे, हम चाय नहीं बना रहे थे, तो हम के साथ क्या आएगा वी, तो वी के साथ वरंट, तो वी वरंट बनाना मिस मेक, तो वी वरंट मेकिंग टी, वी वरंट मेकिंग टी। तो सिंपल हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ अपन ने ये नेगेटिव कर लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइस। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमें कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या वो मूवी देख रहा था, क्या वो मूवी देख रहा था, क्या वो मूवी देख रहा था, तो क्या होगा वो है, तो यहाँ पे आएगा पहले वॉज, वो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉज ही, मूवी देखना, देखना यहाँ पे वॉच यूज होगा, तो वॉज ही वॉचिंग मूवी, वॉज ही वॉचिंग मूवी, वॉज ही वॉचिंग मूवी, क्या तुम पेन बेच रहे थे, क्या तुम पेन बेच रहे थे, तो इसका क्या होगा वर, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, तो यू वर यू, बेचना मीन सेल, तो वर यू सेलिंग पेन, वर यू सेलिंग पेन। अब बहुत सारे पेन बेच रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है तो पेन्स आएगा, क्योंकि तो हिंदी में भले से ही हम उसको पेन अकेला कह रहे हो लेकिन एक व्यक्ति अब एक पेन तो बेचेगा नहीं, तो इसलिए वर यू सेलिंग पेन्स। तो यहाँ डिपेंड करता है कॉमन सेंस पर। तो समझ में आ गया आपको गाइस, तब आप आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वॉज या वर पहले आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क ऑब्वियस। या फिर आप इसको अगर एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, वॉजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट, वॉजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं तो उसमें समझ में आएगा, क्या तुम लकड़ी नहीं काट रहे थे, क्या तुम लकड़ी नहीं काट रहे थे, तो क्या हो जाएगा क्या तुम, तो वही तुम मतलब यू है, तो क्या आएगा यहाँ पे वर देन सब्जेक्ट यू देन नॉट, वर यू नॉट कट, तो यहाँ पे काटना तो कट होगा तो कटिंग, वर यू नॉट कटिंग लकड़ी क्या हो जाएगा वुड, वर यू नॉट कटिंग वुड। अगर इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरंट यू कटिंग वुड, वरंट यू कटिंग वुड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, मैं कई कई बार लगाना भूल जाता हूँ या मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं स्पीकिंग को ज़्यादा महत्व देता हूँ, इसलिए अगर कहीं क्वेश्चन मार्क की गलती हो तो प्लीज़ आप उसको माइंड ना करें, आप उसको बस समझ लें। क्या वो शोर नहीं कर रहा था, क्या वो शोर नहीं कर रहा था, तो क्या वो, तो आपका हो जाएगा वॉज आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, वॉजंट ही शोर करना मतलब मेक नॉइज होता है, वॉजंट ही मेकिंग अ नॉइज, वॉजंट ही मेकिंग अ नॉइज, वॉजंट ही मेकिंग अ नॉइज। तो गाइस इसी के साथ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी चारों सेंटेंस हो गए हैं, सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो गाइस इसी के साथ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी पूरी तरीके से, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसकी पहचान क्या होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे,
चुका था, चुकी थी या चुके थे आता है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। चुका था, चुकी थी या चुके थे आता है तो आपका क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही होती है, वो है हेड। क्या होती है? हेड। तो आपको सिर्फ चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको यूज करना है हेड। मेन वर्ब जो होती है इसकी, मेन वर्ब आपको मैंने पहले भी समझाया है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये कॉमन है, यूनिवर्सल लॉ है। तो इसलिए इसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला बनाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। वो मर चुका था, वो मर चुका था। तो वो ही हैड हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मरना मीन्स डाई होता है, तो डेड। ही हैड डेथ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही हैड डेथ। तुम वहां जा चुके थे, तुम वहां जा चुके थे। तो तुम मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाना मीन्स गो, तो गो वेंट गॉन। यू हैड गॉन, वहां मतलब देर। यू हैड गॉन देर, यू हैड गॉन देर। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुकता। तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैड खाना खाना मीस हो जाए ईट एट ईटन। तो आई हैड ईटन फूड, और टेकन फूड भी लिख सकते हैं, ईट या टेक दोनों वर्ड यूज होते हैं। आई हैड ईटन फूड। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले आते हैं अपन फॉर्मूले पे। तो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का ऑब्वियस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसका हो जाएगा ये हैडन्ट। क्या हो जाएगा? ये हैडन्ट। अब हम सेंटेंस लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा आपका? सबसे पहले क्या वो घर नहीं जा चुका था, क्या वो घर नहीं जा चुका था। सॉरी, वो घर नहीं जा चुका था, वो घर नहीं जा चुका था। तो वो ही hadn't, he hadn't, जाना मीन्स क्या हो जाएगा? gone, he hadn't gone to home, he hadn't gone to home, he hadn't gone to home. Second sentence लेते हैं, ट्रेन नहीं आ चुकी थी, ट्रेन नहीं आ चुकी थी। तो क्या हो जाएगा इसका? ट्रेन had not, आना मीन्स क्या हो जाएगा? arrived, तो arrived का थर्ड फॉर्म क्या होता है? arrived। ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड या ट्रेन हैडंट अराइव्ड। तो गाइज इसी के साथ आपका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होगा आपका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और देन आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब सिंपल है, सरल तरीका होता है। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो और कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या ट्रेन जा चुकी थी, क्या ट्रेन जा चुकी थी। तो क्या हो जाएगा? हैड, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले हैड, ट्रेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन, हैड ट्रेन गॉन, हैड ट्रेन गॉन। क्या बारिश हो चुकी थी, क्या बारिश हो चुकी थी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्या बारिश हो चुकी थी। तो क्या होगा? हैड, इसके बाद इट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? रेन का रेंड, हैड इट रेंड, क्या बारिश हो चुकी थी, हैड इट रेंड। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आपका हैड आएगा,
देन सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैडंट देन सब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम बनाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होगा, क्या वो नहीं मर चुका था, क्या वो नहीं मर चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैडंट हैडंट या हैड, फिर देन सब्जेक्ट ही हैडंट ही, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, डेड। अगर इसको मैं वैसे लिखूंगा तो क्या होगा, हैड ही नॉट डेड, हैड ही नॉट डेड। सेकंड लिखते हैं, क्या बारिश नहीं हो चुकी थी, क्या बारिश नहीं हो चुकी थी, तो क्या होगा इसका, हैड फिर देन इट नॉट, और थर्ड फॉर्म क्या आएगा, रेन्ड, हैड इट नॉट रेन, या फिर आ जाएगा हैडंट इट रेन्ड, हैडंट इट रेन्ड। तो गाइस इसी के साथ आपका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फिनिश होता है, और इसी के साथ ही आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी फिनिश होता है। तो गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस बस ध्यान क्या रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड है, और वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, आता, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे आपके, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए तो अब हमारा लास्ट जो टेंस बचा हुआ है जो आपका है पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। अब आप सोचेंगे कि पास्ट परफेक्ट मतलब होता है जो काम हो चुका है, कंटिन्यूअस मतलब जो अधूरा है, अब ये दोनों मिल गया तो क्या, तो मतलब ऐसा काम जो अधूरा है लेकिन एक टाइम बाद कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कुछ कंप्लीट हो गया और कुछ कंप्लीट होना बाकी है। तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान है कि अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आए, तो वो आपका क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस भी कहलाएगा। अब आप उनको दोनों को अलग अलग कैसे करोगे, तो उसको अलग करने का तरीका, इसमें टाइम दिया रहता है, क्या दिया रहता है, टाइम, टाइम जैसे 5 बजे, 2 घंटे, 4 दिन, मतलब आपको यहाँ पर टाइम दिया रहेगा। टाइम दो तरीके से होगा, एक पीरियड ऑफ द टाइम होगा और एक पॉइंट ऑफ द टाइम होगा। पीरियड मतलब ड्यूरेशन होता है, पॉइंट मतलब एग्जैक्ट टाइम। जैसे पीरियड ऑफ द टाइम क्या हो गया, ड्यूरेशन, 2 दिन 2 महीने 4 दिन, ये ड्यूरेशन हो गया। और इसके बाद अगर एग्जैक्ट टाइम की बात हो, पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हो, तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ द मतलब पॉइंट पे बात हो, जैसे 2 बजे 4 बजे 6 बजे, तो ये आपका पॉइंट ऑफ द टाइम हो गया। तो आपका जो पॉइंट ऑफ द टाइम है, पॉइंट ऑफ द टाइम जो, इसके लिए आपको सिंस यूज करना है, क्या यूज करना है, सिंस। और जो आपका पीरियड ऑफ द टाइम है, इसके लिए आपको फोर यूज करना है। पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस यूज करना है, और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए आपको फोर यूज करना है। यहाँ पर अब आपको ये हो गई, अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड बीन, क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, क्या होती है, हैड बीन। और जो मेन वर्ब होती है वो आपका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब बेसिकली कहा जाए तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस से समझेंगे। तो सबसे पहले आते हम सिंपल सेंटेंस पर, सिंपल सेंटेंस और फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम, जो भी दिया होगा टाइम वो ये होता है। चलिए हम एक बना लेते हैं एक सेंटेंस, वो 4 बजे से मूवी देख रहा था, वो 4 बजे से मूवी देख रहा था। तो सब्जेक्ट ही के साथ क्या है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मूवी देखना था वॉच, तो वॉचिंग, ही हैड बीन वॉचिंग, देन ऑब्जेक्ट क्या आपका मूवी। अब बताओ 4 बजे से क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है कि पीरियड ऑफ द टाइम, ऑब्वियसली बात है पॉइंट ऑफ द टाइम है, बिल्कुल पॉइंट की बात हो रही है। तो जाएगा सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, तुम 2 घंटे से रो रहे थे, चलो सो रहे थे पढ़ ले, रोना क्या होता है, तुम 2 घंटे से सो रहे
थे, तो यू यू के साथ आएगा यू हैड विन, सोना मिस क्या हो जाएगा स्लीपिंग, यू हैड बिन स्लीपिंग। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं है तो सेंस या फोर, दो घंटे ये ड्यूरेशन दिया है तो फोर होगा, यू हैड बिन सिंस फोर टू आवर्स, यू हैड बिन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स। तो इसी के साथ समझ में आ गया हो आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव पर, तो गाइस ये समझ में आएगा, इसको रेस करने वाला हूँ तो आपको समझना है पॉइंट ऑफ द टाइम सेंस, पीरियड ऑफ द टाइम फोर, मेन वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और आपका हेल्पिंग वर्ब हैड बिन। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है आपके, नेगेटिव सेंटेंस सबसे फॉर्मूला बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, देन आपका विन होगा। ध्यान रखना पहले सब्जेक्ट प्लस हैड फिर नॉट फिर विन फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट देन सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस विन प्लस पर का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूँ, वो 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट या हैडंट, है ना, ही हैडंट या हैड नॉट बिन, पढ़ाई करना मतलब डूइंग स्टडी, डूइंग स्टडी, ही हैडंट बिन डूइंग स्टडी। कितने, अब यहाँ पे सिंस या फोर आएगा तो क्या 5 बजे हैं, तो ये पीरियड पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। दूसरा सेंटेंस हम उठा लेते हैं, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, तो क्या होगा, मैं मतलब आई, तो आई हैडंट बीन, इंतज़ार करना मतलब वेटिंग, तो आई हैडंट बीन वेटिंग। जहाँ पे आप देखेंगे आपकी क्या है वेटिंग, अब आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हैडंट बीन वेटिंग फॉर यू, किसी के लिए इंतज़ार करना मतलब फॉर यू, यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका, आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, ध्यान देना, सबसे पहले आपका होगा हैड, देन होगा सब्जेक्ट, देन आपका बिन होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। ध्यान रखिएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। जैसे हम ले लेते हैं, क्या तुम 4 घंटे से सो रहे हो, क्या तुम 4 घंटे से सो रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हैड यू विन, हैड यू विन वर्ब का फॉर्म सोना मतलब स्लीपिंग, हैड यू विन स्लीपिंग, 4 घंटे क्या है आपका, फोर होगा, फोर फोर आवर्स। Had you been sleeping for 4 hours? क्या वो 2 बजे से खाना पका रही थी, क्या वो 2 बजे से खाना पका रही थी, तो क्या हो जाएगा, वही आपका had then subject है तो she then had she been, खाना पकाना means verb का first form cook, तो had she been cooking, खाना मीन्स फूड, हैड शी बिन कुकिंग फूड। अब देखो यहाँ पर 2 बजे लिखा है तो यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ द टाइम क्या आएगा, सिंस, सिंस 2 o'clock। समझ में आया, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर, तो इसका फॉर्मूला देखिएगा जरा, इसका समझना है आपको, क्या होगा, पहले हेड आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा,
देन नॉट आएगा, फिर विन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस फिर आपका टाइम। इसको आप चाहें तो इसको ऐसे, ये जो चीज़ लिखी है इसको आप लिख सकते हैं हैडन्ट, फिर देन सब्जेक्ट, फिर देन विन आ जाएगा और फिर बाकी का पूरा सेम टू सेम जो भी लिखा हुआ है। चलिए बना लेते हैं एक आध सेंटेंस। क्या वो 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या भी है नहीं भी है तो क्या होगा पहले? हैड ही नॉट विन, क्या आएगा? हैड ही नॉट विन। फिर क्या होगा? डूइंग स्टडी 5 बजे से, तो क्या आएगा आपका? सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। समझ में आ गया? हैडंट हैड, या फिर इसको लिख सकते हैं आप हैडंट ही विन doing study since 5 o'clock, since 5 o'clock। सो गाइस इसी के साथ आपका पास्ट टेंस भी फिनिश होता है। इसमें हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। तो सभी में मैंने आपको फॉर्मूले बताए, हेल्पिंग वर्ब बताए, इनकी पहचान बताई है। अगर आप इन सबको आपको ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और भी अच्छा लगा है तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।